अंजलि कैसी हो तुम? कौन हो तुम? मैं हूं विक्रम, तुम्हारा पति। पहले खुद को अच्छे से देख तो लो कि तुम मेरे पति बनने के लायक हो भी या नहीं। क्या कह रही हो तुम अंजलि, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें समझाने के लिए ना मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। अंजलि तुम मेरे साथ ही कैसा बिहेव कर रही हो? वैसे ही जैसे तुम जैसों के साथ किया जाता है। मेरे जैसों के साथ मतलब? मतलब कि भिख मंगे। ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? अरे एक बार खुद की तरफ देखो तो सही, जो तुम्हारी हालत है ना, अब तुम और काम तो कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक ही मांगोगे ना। अंजलि ये हाथ मैंने किसी एक्सीडेंट में या पैदाइशी नहीं खोए, ये हाथ तो मैंने जंग में खोए हैं। तो जिस जंग में ये हाथ खोए थे उसमें तुम क्यों नहीं खो गए? अंजलि चिल्लाओ मत, समझे? अब मैं तुम्हारी पत्नी बनके नहीं रहना चाहती, क्योंकि इस हालत में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं थामेगी। ओ सॉरी 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 सॉरी, वो क्या है ना, साथ नहीं देगी, क्योंकि हाथ थामने के लिए तो तुम्हारे हाथ तो बचे। कितनी बुरी हो तुम, है ना? बनना पड़ता है यार, दुनिया ऐसी ही तो है। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ अब बाहर घूमने निकलूंगी तो मेरा हाथ कौन पकड़ेगा? शॉपिंग करूंगी तो सामान कौन पकड़ेगा? अब अगर आगे बच्चा होगा तो बच्चे के डायपर्स कौन चेंज करेगा? कार ड्राइव कौन करेगा मेरे लिए? एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितने सारे काम है। खैर तुम इनमें से अब कोई भी काम नहीं कर पाओगी, क्योंकि इस लायक नहीं ना रहे अब तुम। सो लीव, जाके अपना कोई और ठिकाना ढूंढो। अंजलि अंजलि बे यार क्या लड़की है भाई। अरे सुनो, अरे कहाँ जा रही हो, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी बिता लो। क्या बदतमीजी है, पीछा क्यों कर रहे हो तुम दोनों मेरा? अरे लगता है मैडम को अच्छा नहीं लगा कि हम इनका पीछा कर रहे थे। कोई बात नहीं मैडम, हम आपका पीछा नहीं करेंगे, आपको नहीं छेड़ेंगे। एक काम करिए ना, आप यहीं पे खड़े रहिए, आपको यहीं सामने खड़े होके छेड़ देते हैं। अरे सही कह रहा भाई, और मैडम सच बोलूं, आप सामने से और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। देखो तुम दोनों ना बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। हाँ तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? अरे मैडम अभी तो बताया कि आप कौन हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो। वैसे तुम दोनों भी कम नहीं हो। अबे ये फौजी यहाँ कहाँ से आ गया? अरे भाई मैंने सुना है आर्मी वालों के हाथ तो पुलिस वालों से भी तेज होते हैं। अभी तो सोच क्या रहा है, इसने लड़की को छेड़ते हुए देख लिया, इससे पहले इसका ये हाथ हमारे गाल पे पड़े। भाग कैसे? तुम्हारे हाथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे हाथ तो जंग में चले गए थे ना, फिर ये सब क्या चल रहा? खोए नहीं थे मेरे हाथ, बिल्कुल ठीक, मैं बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। टेस्ट? कौन सा टेस्ट? मेरे एक दोस्त ने एक जंग में अपने दोनों पांव खो दिए, और तुम्हें पता है उसकी बीवी ने उसके साथ क्या किया? वही जो तुमने मेरे साथ किया, उसे छोड़ दिया, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं था। उसे अपने दोनों पांव खोए जाने पे इतना दुख नहीं हुआ था जितना उसे तब हुआ जब उसकी बीवी उसे छोड़ के चली गई। मैं ये देखना चाहता था कि तुम भी क्या मेरे साथ ऐसे ही करोगी जैसे उसकी बीवी ने उसके साथ किया। और सही है, हम फौजी ना शरीर का दर्द तो सह सकते हैं, लेकिन किसी अपने को छोड़ के जाने का जो दुख होता है उसका मेंटल प्रेशर हम नहीं ले सकते। इसलिए मैं भी तुम्हारा टेस्ट ले रहा था ताकि मुझे भी पता चले कि कल को अगर मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए तो तुम मेरा साथ दोगी या नहीं। लेकिन तुम इस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गई हो। सुनो, तुम्हारे पास मौका था कि तुम मुझे अकेले छोड़ के जा सकते थे, और वो लोग मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे उन लोगों से बचाया, उसके लिए थैंक यू। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि तुम मेरी बीवी थी, बल्कि इसलिए बचाया क्योंकि तुम इस देश की बेटी हो, और हम फौजी किसी के साथ भी बुरा होते नहीं देख सकते, क्योंकि हमें हमारे देश ने यही सिखाया। जय हिंद।
दोस्तों, एक फौजी देश की सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब उसके अपने घर वाले उसका साथ नहीं देते तो वो जिंदगी की जंग में हार जाता है। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने फौजी भाइयों का साथ दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।